जी महाराज को सत साहेब, सर्व संतों को भेग भगवान को नाम तुम्हारे को बोलो साधो सत साहेब। सब सत्संग प्रेमी जो भी सत्संग के अंदर पधारे हैं उनको कोटि कोटि मेरी नमन, और सभी के ऊपर मेरा सतगुरुदेव अपनी असीम कृपया रखें और इनके ऊपर दया करते रहें 24 घंटे मेरे गुरुदेव। हम सब साहेब की आराधना करते हैं, सभी, कोई ऐसा नहीं है जो ना करता। पर हमारे साहेब जी तिरका साहेब कह रहे हैं, जग जन्म जग जीवना जग सेती प्रीत, जग जन्म जग जीवना जग सेती प्रीत, जन्म सारे राखिए तिरखा की सीख। रात्रि में अपने आसन पर जाकर के और कार्य कुछ नहीं है, जो हमारे जीव जितने भी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारे संतों ने भी अपने हाथों से काम करके रोटी खाई है जिनकी हम आराधना कर रही हैं। दोबारा फिर यही कहा है तिरका साहेब ने, जग जन्म जग जीवना जग सेती प्रीत, भजन समय पर तोड़िए जग वालों की रीत। क्योंकि सबके ऊपर एक समय आता है रात्रि में जो उसे सोते हुए कोई पता नहीं होता, जब ये गाढ़ निद्रा के अंदर होता है, और जो जीव हमारे भजन नियक भजन करते हैं वे अपने आसन पर जाकर हम भूल जा हमारे पास कुछ नहीं है तो भजन करोगे, और किसी चीज के अंदर भी अगर आप आस्था लेके बैठ गए हो तो भजन नहीं बनेगा। यहां से हमें सबको एक दिन जाना है, कोई रहेगा नहीं। हम केवल साहिब की आराधना करने के लिए कर्म करना, बाहरी कर्म करना पड़ेगा। दिन निकल गया तो हम सब अपने कर्म पे चलेंगे, दो रोटी का साधन करेंगे, ये हमारा लक्ष्य होता है सत्संगी जीव का। आपको जब रात्रि में अपने आसन पे पहुंचे तो भूल जा तेरे पास पहले कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। रुपया पैसा दौलत इसकी माम तो करे, प्रसाद तो इसकी जाना नहीं है। दौलत चाहिए तो जरूर, धन चाहिए जरूर, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। इस शरीर को रोटी जरूर चाहिए, प्रसाद कुछ नहीं जानना है। साथ अगर जाना है तो उसकी कमाई कर लो, वो आपके अंदर ही बसता है 24 घंटे। जिस दिन पैदा हुए थे संसार के अंदर, वो बचपने में ही तुम्हारा सब दे के भेजा सतगुरुदेव ने, तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे पास ही दे रखा सतगुरुदेव ने। वहां पर फिर सतगुरुदेव कहता रे मानव, मैं तुझे दे के तो सारा भेजा। अब बाहरी संत समझाते हैं, सतगुरुदेव कह रहे हैं सात दीप नौ खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ताप अनुसार ना चले तो सतगुरु का के जोर। साहेब ने वो दौलत तुझे दे के भेजी हुई है, अगर वर्तमान में तू ना जाने तो संतु का के दोष, ये जानना पड़ेगा, कर्म अपने आप करना पड़ेगा। ये हमारी बहन बेटी है, ये अपने रूप को केवल स्त्री रूप मान के बैठी हुए है, पर जब उस देश की बात करते हैं तो वहां क्या नरकों तो है नहीं, नारी कहा ना जाए ऐसा दुख दरबार में दुख से आ ना जाए। ऐ मेरे स्वामी मेरे सतगुरुदेव, ये हंसों की डार जब देखते हैं तो उसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं है,
और जब नीचे निहारते हैं तो यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध बनाए हुए अवसर गुरुदेव ने जो भी किया उसने बड़ा निर्णायक बात करी है। और यहाँ बुरा कुछ नहीं है, बुरा मेरी समझ है, यहाँ बुरा कुछ भी नहीं है। एक वक्त पर कांटे भी काम आते हैं। जिन पांच हथियार को हम कहते हैं बुरे हैं, वे भी बुरे नहीं है, क्योंकि वो भी समय पर आने वाली वस्तु है। जिनको हम बुरा कहते हैं, अहंकार को हम बुरा कहते हैं, पर उसे हमें समझना है, समझ कर रखना अपने पास। जो भी चीज सतगुरुदेव ने दी, और जब उसे सतगुरु महाराज को वे इतनी बुरी वस्तु लगे थी, अतवे हमें दी क्यों है, ये मेरी सोच है। अकी से मैं ही सोच रहा हूं अकी चीज बुरी है, पर मेरा वहां तक बुद्धि का विकास नहीं है जहां तक चला जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर जीवन को लगाना ही यहां बुरा कुछ नहीं है, त्याग और बैराग तो ही करता है, सब काम तू ही कर रहा है, नियम भी मारने तू ही कर रहा है, उसका कौन सा नियम है? साहब ने किस नियम के अंदर बांधा? वहां भी मैं ही वादा कर कहा, कहने मैं तेरा ही नाम लूंगा, वहां भी बंधन में अपने आप ही बंध कहा आयु। और जो हां भरी थी उसे यू कर नहीं रहा यहां, और जो कर ले तो धन्य हो जा, दया हो जा, इतना ही तो फर्क है बस। ये ठीक ना आयु खरदरा, इसे ज्यादा रगड़ के धोबा जीव रोटी खावे, यंग तो कम रगड़े, आज तो तेरे ही है कि मैं धोरे भी है, पर मेरी अपनी बुद्धि का विकास है। हर आदमी के पास बुद्धि का विकास सतगुरुदेव ने पूर्ण दे के भेजा है। बुद्धि एक है, इसके कर्म अनेक है, भिन्न भिन्न प्रकार से है। जो अभी तुम देखोगे वहीं अपना तारा रख ले, या रोकना ना रोकना, चलना ना चलना, ये सब आपका काम है, कोई दूसरे का नहीं है। और सत्संग के अंदर बैठ के जो हमारी बहन बेटी है, कोई भी है जिसने, वो चाहे पुरुष है, कोई भी है, चाहे जिसने अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगा के सुमरन और भजन कर रहा, सत्संग तो उसका है। नहीं, यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक सतलोक सजा तुमने, आपने सबने मिलकर ये सतलोक सजाया है। इस सतलोक के अंदर बैठकर भी अगर आपने अपने गुरुदेव को, अगर सतगुरुदेव को याद ना किया तो क्या करोगे? वक्ता तो कह रहा है, ये साधु पहले जिस कार्य को कहेंगे, जो जानकारी हमारे सारे संत जानकारी हैं, ये अपने पर लागू करते हैं पहले। और जब तक हम सब अपने पर लागू नहीं करेंगे तो कार्य बनेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का, अब जब भी हम इस सतलोक को सजावे, इसके अंदर बैठे निरंतर, तो उस जगह को श्रेष्ठ कर लो जहां पर तुम बैठे हुए हो, और तुम कुछ लेकर जाओगे। और जब मैं जगह भी श्रेष्ठ नहीं करेंगे जहां पर बैठा, तो लेकर क्या जाऊंगा, जबकि मुझे अपनी जगह श्रेष्ठ करने का भी पता नहीं है, तो फायदा क्या होगा? खैर, एक छोटा चार लाइन बोल दो थोड़ी जी, कहते भाई महात्मा नाराज हो जाए मेरे पे, इसके भी ना रहे।